किसी भी चैनल को बनाने में उसको आगे तक पहुंचाने में मेहनत लगती है और वो जब चैनल एक सेकेंड में चला जाए कितना दुख होता है मेरी कुछ गलती नहीं थी उस चैनल पे फिर भी वो चैनल डिलीट हो गया <laughs> क्या थी मेरी गलती फिर भी वो चैनल एक बार एटलीस्ट बता तो दिया होता वैसा गलती बंद करना वरना आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सालों भर का मेहनत सालों भर का मेहनत बर्बाद हो जाता है तो दोस्तों जो ये आपने वीडियो देखा भाई आपका भी कुछ इसी तरीके से हाल हो सकता है यदि आप अपने चैनल पे कुछ गलती कर दोगे तो क्योंकि YouTube इतना सख्त है यदि आज के डेट में YouTube पे आप जरा सा भी गलती करोगे तो भाई आपका चैनल तुरंत हटा दिया जाएगा क्योंकि YouTube पे इतना ज्यादा क्रॉड बढ़ चुका है कि अब किसी छोटे क्रिएटर को या ऐसे ऐसे क्रिएटर को रखना ही नहीं है जो कि फालतू का बकवास वीडियोज बनाते हैं तो आए आप लोग प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना तभी आप लोग को ए टू जेड समझ में आएगा एंड आप लोग भी कुछ ऐसी गलती ना कर बैठो ये मैं तो यहाँ पे रो पा रहा हूँ लेकिन आप लोग रो भी नहीं पाओगे क्योंकि यदि किसी चैनल पे यदि आप लगातार साल भर दो साल तीन साल काम करते हो एंड वो चैनल आपसे दूर हो जाता है यानी कि डिलेट हो जाता है यानी डिमोनेटाइज हो जाता है तो उस टाइम वही इस चीज को फील कर सकता है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सभी को पता है कि यूट्यूब में मोडोटाइज करने के लिए चैनल नॉर्मल से जो क्राइटेरिया रखा गया है एक सब्सक्राइबर का और चार घंटे का वॉच टाइम यदि इस चीज को यदि आप कंप्लीट कर लेते हो फिर भी आपका चैनल नहीं मोटोटाइज किया जाएगा क्योंकि भाई YouTube पे इतना ज्यादा पॉलिसी आपको मिल जाएंगे जिनको यदि आप लोग अच्छे से फॉलो कितना भी एक हजार सब्सक्राइबर कर लो कितना भी चार हजार घंटा वास्ट टाइम कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला चैनल ने मोनोटाइज ही नहीं किया जाएगा क्योंकि पॉलिसी को यदि आप लोग इनवॉलेंट करोगे तो भाई आपके चैनल कभी मोनोटाइज होगा यदि आप उसको फॉलो करोगे उन सभी रूल को फॉलो करोगे उसके साथ साथ 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करोगे उसके बाद आपका चैनल मोनोटाइज कर दिया जाएगा लेकिन अब रूल क्या हो गया है कि आपका तो चैनल मोनोटाइज हो गया लेकिन फिर भी डिमोनोटाइज कर दिया जा सकता है क्योंकि अब पॉलिसी बहुत ही ज्यादा बदल गया है जैसे कि पहले क्या होता था कि किसी भी तरीके से चैनल को मोटोटाइज कर लिया एंड वो चैनल मोटोटाइज रहेगा चाहे आप उसमें किसी भी तरह का कंटेंट डालो कोई मतलब नहीं लेकिन अब क्या है कि अब आप अपने चैनल पे वीडियोस बना रहे हो बहुत मेहनत किए एंड अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया अब मोनेटाइज करने के बाद अब उसमें अब ऐसे कंटेंट डाल दिए जो कि एक रियूज कंटेंट के तौर पे आता है या रियूज कंटेंट कहा जाता है तो उस टाइम भी आपको यूट्यूब क्या करेगा कि आपके चैनल को डिमोनोटाइज़ कर दिया जाएगा अब ये चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये चीज़ की बदौलत मेरे खुद के चैनल पे ये प्रॉब्लम आया है मेरे चैनल का लगभग नाम है के जिसमें मैं है उसमें पैसठ हजार भी हो गया लेकिन अब वो क्या होगा फिर से वो डिमोनोटाइज हो मोनेटाइज मोटाइज क्यों हुआ क्योंकि मैं उसमें ऐसे कॉन्टेंट डाल दिया जैसे कि रिव्यूज कॉन्टेंट जैसे दूसरे के कॉन्टेंट में डाल दिया रिव्यूज कॉन्टेंट में वो गिनती आ गया जिसकी वजह से मेरा वो डिमोनिटाइज कर दिया गया तो आपको क्या करना है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे ना तो उस टाइम आपको अच्छे से ध्यान रखना चैनल पर ना कि, तो कि वक्त बल्कि हमेशा जब तक आप अपने चैनल को रखोगे तब तक आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि आप अपने चैनल पे वैसे कंटेंट ना डालो जिससे आपको रियूज दे दिया जाए और आपका चैनल डिमोनिटाइज कर दिया आपको पता ताकि जो मोनोटाइशन का पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा नहीं है बल्कि चार पाँच है जो कि मेन थीम हो गया टाइटल की हो गया एंड मेटा डेटा हो गया ये सभी चीज को यदि आप लोग फॉलो कर रहे हो तो भाई आपका चैनल कभी भी डिमोनिटाइज नहीं कर दिया जाएगा यदि आप रिव्यूज कंटेंट वाला कोई कंटेंट डालते हो मोनेटाइजेशन के बाद अपने चैनल को मोटोटाइज कर ली उसके बाद अपने चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डालते हो तो आपको क्या करेगा यूट्यूब एक मेल करता है कि आपका चैनल सात दिन के बाद डिमोडर या डिलीट कर दिया जाएगा उसके दौरान यदि आप चाहते हो तो अपने चैनल को बचा सकते हो यदि आप अपने चैनल पर गलती नहीं कर रहे हो

बोलोगे कि मेरा सामान सेफ है आपका सामान सेफ है लोगों से जैसे कि आपके अगल बगल वालों से लेकिन जिसका घर है वो तो उस चीज को जानता है ना तो उसी तरीके से यूट्यूब भी है कि आप यूट्यूब में रह रहे हो और यूट्यूब आपके बारे में सब कुछ जान रहा है बगल वाला कुछ नहीं आ रहा लेकिन यूट्यूब आपके बारे में सब कुछ जान रहा है कि आप कैसे कॉन्टेंट डाल रहे हो कैसे वीडियोस अपलोड कर रहे हो इसीलिए आपको सावधानी बरतनी है एंड आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि हर यूट्यूबर करता है जिनकी वजह से यूट्यूब का चैनल डिमोटाइज भी कर दिया जाता है या डिलीट भी कर दिया जाता है अभी के डेट में बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ गया है उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है सभी रूल्स को फॉलो करना है साइड में आपको चार पांच रूल्स दिखाएंगे इन सभी को पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं वरना इस पेट मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी जहाँ पे आप सभी को मैंने सब कुछ बताया मेन थीम क्या होता है जिसमें कि एक कैटेगरी में आपको काम करना है मेरा डेटा क्या होता है बहुत सारे ऐसे पॉलिसी है जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अच्छे तरीके से बनाया है यदि तो आप लोग फिर से चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं अच्छे से बाप को आप लोग बस कमेंट कर देना उस वीडियो पे मैं टॉपिक उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको काम करना है मोटाइजन से पहले भी कोई गलती नहीं करना मोटाइशन के बाद भी आपको वैसे कंटेंट नहीं डालना है जो रियूज कंटेंट में आता है वरना आपका चैनल कुछ इसी तरीके से डीमोनोटाइज़ कर दिया जाएगा और आप भी इसी तरीके से रो रो के पागल हो जाओगे आप भी किसी से कुछ मदद ना कोई मदद नहीं कर सकता एक ही आदमी मदद कर सकता है वो है यूट्यूब यूट्यूब यदि यदि यदि, यदि यूट्यूब चाहेगा तो वो आपके चैनल को रिव्यू में करके आपको बचा सकता है वरना यदि आप ऐसे गलती करोगे तो भाई आपको यूट्यूब कभी नहीं बचाएगा और आपका चैनल डीमोनोटाज़ कर दिएगा फिर से आपको मेहनत करने पड़ेगा या फिर से आपको नया चैनल बनाना पड़ेगा करना वरना आप बहुत ज़्यादा पछताओगे एंड मैं तो रो भी पा रहा था लेकिन आप शायद रो भी नहीं पाओगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं एंड उनका चैनल जब इस तरीके से होता है तो वो गलत कदम उठाने लगते हैं तो आप ऐसा मत करना अच्छे से ध्यान से YouTube पे काम करो वैसे कंटेंट डालो ताकि YouTube को इन ना हो YouTube के पॉलिसी को आप लोग तोड़ो ना ऐसे कंटेंट डालो जिससे लोगों को कुछ नॉलेज हो सके मिल सके वैसे कंटेंट मत डालना जो कि YouTube पे वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता वो अवेलेबल नहीं है वो रूल को तोड़ता है किसी तरह का कोई गलती हो गया तो कमेंट करना उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ एंड मैं भी छोटा यूट्यूबर हूँ आप लोग के साथ में चल रहा हूँ यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं भी आगे कोशिश करूंगा जाने की तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी तब तक जय हिंद